नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी हाउ और मैं हूं आपके साथ प्रांजल आर्य। कुल्लू मनाली और लेह लद्दाख का नाम सुनते ही मन में घूमने का ख्याल और पहाड़ों की बर्फबारियां याद आ जाती हैं। हिमाचल प्रदेश के इन वादियों में लोग घूमने जाना काफी पसंद करते हैं, लेकिन मनाली लेह के इस मार्ग पर एक ऐसी जगह भी है जिसके बारे में जानकर आप खौफ में आ जाएंगे। जी हाँ, यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पर भूत रहता है। हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरत वादियों और घाटियों के लिए दुनिया भर में काफी मशहूर है। देश विदेश से लोग हिमाचल घूमने आते हैं। पहाड़ों का प्रदेश न केवल हॉलिडे पॉइंट है बल्कि हनीमून स्पॉट भी है। सालों भर सैलानी हिमाचल की धरती पर आते हैं। यहाँ लोग खुद को प्रकृति के करीब पाते हैं। हालांकि इस धरती पर कई ऐसे रोमांचित और रहस्यमय जगह भी हैं जिनके बारे में जानकर रूह कांप उठती है। इसमें से एक स्थान गाटा लूप्स है, जो अपने घुमावदार सड़कों के लिए विश्व विख्यात है। गाटा लूप्स में हेयरपिन जैसी कुल 21 घुमावदार चक्कर हैं, जबकि ये जगह 17,000 फीट ऊंची चोटी पर है, जिससे रोमांच और बढ़ जाता है। हर घुमावदार चक्कर की दूरी 300 से 600 मीटर है, जबकि अंतिम के दोनों लूप्स की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। ये आम रास्ता नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग इस रास्ते से नहीं जाते बल्कि शॉर्टकट अपनाते हैं, जबकि ट्रकों के लिए ये घुमावदार रास्ता अनुकूल है। ऐसा कहा जाता है कि शीत ऋतु में बर्फबारी के कारण गाटा लूप से संपर्क टूट जाता है। इस स्थान पर एक मंदिर है जो प्रेत आत्मा को समर्पित है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक लेख के अनुसार 1999 की बात है, जब एक ट्रक 19वें लूप पर खराब हो गया। इसके बाद ड्राइवर और हेल्पर ने उसे ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। इसी बीच भारी बर्फबारी की वजह से ये रास्ता बंद हो गया। काफी देर तक इंतजाम करने के बाद भी किसी की सहायता नहीं मिली, तो ड्राइवर ने नजदीक के गांव से मदद लेने की सोची। इस दौरान हेल्पर की तबीयत बिगड़ गई, इस वजह से ड्राइवर अकेले ही गांव की तरफ निकल पड़ा, जबकि भूख और प्यास की वजह से हेल्पर की तबीयत और बिगड़ गई। जब कुछ दिनों बाद ड्राइवर गांव वालों को लेकर ट्रक के पास पहुंचा, तो हेल्पर को मृत पाया गया। इसके बाद लोगों ने हेल्पर का उसी जगह पर अंतिम संस्कार कर दिया और उस स्थान पर एक छोटा सा घर बना दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि हेल्पर आज भी गाटा लूप्स पर रहता है। कुछ लोगों ने हेल्पर को देखने का दावा तक किया है। आज भी लोग गाटा लूप से गुजरते वक्त हेल्पर को पानी और जरूरत की चीजें देकर ही गुजरते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, वहाँ पर एक छोटा सा घर जरूर है और आते जाते लोग पानी की बोतल जरूर रख देते हैं। जैसे ही ये बात सामने आई तो हिमाचल प्रदेश में ये चर्चा का विषय बन गया। आज भी लोग यहाँ से जाने के बजाय दूसरी जगह से जाना ज्यादा सेफ समझते हैं। घाटा लूप्स के इस रहस्य को जानने के बाद आपकी क्या कुछ राय है, इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट।